दोस्तों क्या होता जब लड़ते दुनिया के दो सबसे बड़े और खतरनाक दानव टाइटेनोबो और मोसासोरस। आखिर इस लड़ाई में जीत किसकी होती, आइए जानते हैं। दोस्तों वैसे तो ये लड़ाई होना नामुमकिन है, क्योंकि टाइटेनोबो के इस दुनिया में आने से 3 मिलियन साल पहले ही मोसासोरस का अंत हो गया था। लेकिन फिर भी आज मैं आपको साइंटिस्ट के प्रेडिक्शंस के हिसाब से इस बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों टाइटेनोबो सांप की लंबाई 50 फुट थी, और अगर टाइटेनोबो को मोसासोरस से जीतना है तो उसे सबसे पहले मोसासोरस की पूरी बॉडी को जकड़ना होगा, क्योंकि टाइटेनोबो सांप के पास जहर नहीं होता था और वो अपने शिकार को जकड़कर उसका दम घोटकर ही उसे मार सकता था। वहीं अगर बात करें मोसासोरस की, जिसकी लंबाई 55 फुट होती थी, अगर मोसासोरस को टाइटेनोबो सांप से जीतना है तो सबसे पहले उसे टाइटेनोबो की पकड़ से बचते हुए उसे अपने जबड़े में लेना होगा, और अगर टाइटेनोबो एक बार मोसासोरस के जबड़े में फंस गया तो टाइटेनोबो की कहानी खत्म समझो। वैसे दोस्तों आपका इन दोनों में से फेवरेट कौन है कमेंट करके जरूर बताना।